ये क्या गड़बड़ है? एक बहू को पगफेरे के लिए मैके भेज दिया और दूसरी बहू की ओली भर रही है। मेरी नताशा के साथ ये भेदभाव क्यों? हेतल बेटा, वो मिठाई देना। ये लीजिए माँ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। आप सास है ना, तो आप सही होंगे। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जो नियम मेरी नताशा को लगता है वो आपकी तीसरी बहू को भी लगना चाहिए ना? नहीं बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना? गलत तो नहीं बोल रही ना? दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों की शादी एक साथ ही हुई थी, है ना? तो अगर उसकी ओली भरी जा रही है तो नताशा की भी ओली भरी जानी चाहिए। सही कह रही हूँ ना? समधन जी, वो क्या है ना कि पग फेरे की रस्म पूरी होने से पहले मैं नताशा को हमारे घर के किसी भी पूजा में बैठने ही नहीं दे सकती। एक तो हमारे घर का रिवाज है, अने पंडित जी ने साफ साफ मना किया, ऐसा कर ही नहीं सकते। वैसे आप चिंता मत करो, अगले साल मैं इसकी रस्म इतनी धूमधाम से करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। लेकिन अभी इस समय आप लोग यहाँ से, विनती करती हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि यहाँ से आप लोग प्रस्थान करिए। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। चलो चलो, कान्हा का जन्म हो रहा है। आइए आइए, कान्हा का जन्म हो रहा है। अरे पर ये यहाँ कैसे आ गई? अगर इसने प्रणाली को देख लिया और प्रणाली ने इसे सब सच बता दिया तो नया मचान शुरू हो जाएगा।